সুরাটত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে উদ্বোধন করলে বিশ্বর ভিতরতে সর্ববৃহৎ কার্যালয় সুরাট হীরা বোর্সর কার্যালয় হীরা আর অলংকার ব্যবহার সর্ববৃহৎ কার্যালয় পনপতে সম্প্রচার আগবাইছো। মেরা যে আত্মীয় লগাও হ্যাঁ শব্দ মে বয়া করতে জরুরত নেই আপ লোক ভলি ভাতি জানতে সুরত নে মুঝে বহুত কুছ সিখায়া হ্যাঁ সুরত নে সিখায়া হ্যাঁ कि जब सबका प्रयास होता है तो हम कैसे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सूरत की मिट्टी में ही कुछ बात है जो इसे सबसे अलग बनाती है और सूरतियों का सामर्थ्य उसका मुकाबला मिलना मुश्किल होता है। हम सब जानते हैं कि सूरत शहर की यात्रा कितने उतार चढ़ावों से भरी रही है। अंग्रेज भी यहां का वैभव देखकर सबसे पहले सूरत आए थे। एक जमाने में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री जहाज सूरत में ही बना करते थे। सूरत के इतिहास में अनेक बार बड़े बड़े संकट आए लेकिन सूरतियों ने मिलकर हर एक से मुकाबला किया। वो भी एक वक्त था कहते थे कि 84 देशों के शिप के झंडे यहां फहरते थे और आज जो मथुर भाई बता रहे थे कब 125 देशों के झंडे यहां फहरने वाले हैं। कभी गंभीर बीमारियों में सूरत फंस गया, कभी तापी में बाढ़ आई। मैंने तो वो दौर निकट से देखा है जब भांति भांति की निराशा फैलाई गई, सूरत की स्पिरिट को चुनौती दी गई, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि सूरत संकट से तो उभरेगा ही, नए सामर्थ्य के साथ दुनिया में अपना स्थान भी बनाएगा। और आज देखिए, आज ये शहर दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ते टॉप 10 शहरों में है। सूरत का स्ट्रीट फूड, सूरत में स्वच्छता, सूरत में स्किल डेवलपमेंट का काम, सब कुछ शानदार होता रहा है। कभी सूरत की पहचान सन सिटी की थी। यहां के लोगों ने अपने परिश्रम में पूरी ताकत से मेहनत की पराकाष्ठा करके इसको डायमंड सिटी बनाया, सिल्क सिटी बनाया। आप सभी ने और मेहनत की और सूरत ब्रिज सिटी बना। आज लाखों लाख युवाओं के लिए सूरत ड्रीम सिटी है और अब सूरत आईटी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। ऐसे आधुनिक होते सूरत को डायमंड बूट्स के तौर पर इतनी बड़ी बिल्डिंग मिलना अपने आप में ऐतिहासिक है। साथियों, आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है, लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है।
और इसी गारंटी का उदाहरण ये सूरत डायमंड बुर्ज भी है। मुझे याद है बरसों पहले आप सभी साथी किस तरह मुझे अपनी समस्याएं बताते थे। यहां तो डायमंड के कारोबार से जुड़े या पुनपतिया सम्प्रचार आम देखा सूरत विमानबंदर नतुन टर्मिनेलों शुभ उद्बोधन कर कथा आए कि तार पूर्वे देशर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आपल देखिले जी सर्वबृह उद्योग सर्वबृह उद्योग तो उद्बोधन करें विश्व भरते सर्वबृह कार्यालय सूरत हीरा बोर्स कार्यालय तो हीरा और अलंकार व्यवसाय सर्वबृह कार्यालय 3,400 कोटी टकर निर्माण कर कार्यालय तो पुनपतिया सम्प्रचार आगाल समानलभवे इतने सूरत विमानबंदर नतुन टर्मिनेलों शुभ उद्बोधन कर प्रधानमंत्री या नतुन टर्मिनेलों शुभ उद्बोधन कर समय दृश्य देखा नतुन टर्मिनेल दैनिक 1800 अधिक देशी विदेशी जी अहर पड़े सर्वाधिक चाहिदार समय 3,000 लोक जी समा दी पड़े नतुन टर्मिनेल बसर 55 लाख अधिक जी भ्रमण सूरत टर्मिनेल चाहे वो रोड की हो रेल की हो या फिर एयर कनेक्टिविटी और सूरत एयरपोर्ट जो है वो अपने आप में बिजिएस्ट होने के साथ साथ जो उसकी यात्री संख्या है यानी कि एयर ट्रैफिक में लगातार हमने इजाफा होते हुए देखा। आप ये मान के चलिए कि 1200 घरेलू यात्री और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संभालने की क्षमता है और इसमें समय आन बाणिज्यिक विरतर